तो भाई रिसेंटली साई केतन रहा और कटारिया की हो जाती है फाइट, वो भी असली वाली फाइट हाँ, जिसमें साई केतन पागल ही हो जाते हैं। अब होता क्या है कि सब लोग हॉल में बैठे होते हैं और किसी चीज का डिसीजन चालू रहता है जिसमें इन दोनों की हो जाती है अनबन। अब अनबन में साई केतन राव ने सबसे पहले गाली दी कटारिया को, उसके बाद कटारिया ने उसी का रिप्लाई देते हुए एक और गाली दी साई केतन राव को, और भाई साई केतन राव उसको सह नहीं पाया और भाई उड़ के मारने को आया लव कटारिया को। अब भाई मेरा इसमें कहना है कि अगर तुम सह नहीं सकते रिप्लाई में गाली तो गाली दो भी मत, और गाली दे रहे हो तो रिप्लाई में ये सोच के रखो कि हाँ गाली मिलने वाली है तो उसको सुनने के लिए तैयार रहूं। पर भाई यहाँ तो साई केतन राव को साइज से फुटेज चाहिए था, तो भाई इतना पागल हो गया मतलब कपड़े वपड़े फाड़ने की जरूरत थी, जब मारना ही तो जा कपड़े में मारा होता, भाई दिखता है कौन पतला है कौन मोटा है। लव कटारिया जैसे 10-12 किलो मतलब हल्का ही होगा। और इसी के बाद इस पे बहुत सारे लोग का रिएक्शन भी आता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स का, जैसे कि राजवीर सिसोदिया हो गए और उसी के बाद लव कटारिया के दोस्त लक्ष्य, उनका भी रिएक्शन आता है इस पे। मतलब अब डेंजर वाला रिएक्शन आप सुनोगे तो आप लोग भी सोचोगे क्या क्या पब्लिक बोल रही है साई केतन को। और हाँ इस पे मेरे सबसे एलविश है तो कल के अपने व्लॉग में रिएक्ट करेंगे, तो उस वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दो, उसका भी अपडेट सबसे पहले अपने इस चैनल पे मिलेगा, तो पहले सब्सक्राइब मारो। सही थी कटारिया ने भाई, उसने पहले मैं देखो मैं बहुत सारे लोगों को ना एक चीज क्लियर नहीं हो रही अपने माइंड में कि किसने गाली बकी किसने नहीं बकी, उसके बाद मैं और लोगों का गेम प्ले बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहली बात तो गाली दी साई केतन ने, उसने बोला समझ गए ना, वो भी माँ कोई गाली है, माँ कोई तो गाली है, वुमन कोई है, कोई वुमन कोई है, उसी की माँ को है। इसने इधर से बोला तेरी कर दूंगा, तेरी माँ कर दूंगा या बहन कर दूंगा, जो भी बोला हुआ, ये भी इसने गाली बकती। अगर साई केतन उसको गाली ना बकता तो कटारिया क्यों बकता गाली, क्योंकि कटारिया आज से पहले तो हमने तो देखी नहीं ऐसी गाली बकते हुए भाई साहब उधर, समझ रहे। दूसरी चीज, अब सब लोग मुद्दा उठा, उसने ना माँ की गाली थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा। अरे भाई कितनी सिंपल सी बात है, उसने बोला वो वाली गाली, उसने वो वाली गाली दी, दोनों में माँ इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं अभी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, ये मुझे ऊपर से चांद सितारे बता रहे हैं सब, ठीक है ना। तो साई केतन की गलती, उसके बाद साई केतन वो कर दिया, अरे भाई तूने भी तो करा, ऊपर से वो करके दिखा रहा है जैसे कोई पकड़ेगा ना तो मार पीट देगा। भाई ये बिग बॉस का रूल समझ नहीं आ रहा, अरमान को बाहर कर देते तो ये एग्जांपल सेट हो जाता कि भैया वायलेंस अलाउड नहीं है हमारे सीजन में, हमें इतना छुआ करता हमारे जी करता थूतली सुझाते साढ़े मार पीट के, हमने करा नहीं करा ना, हमने तो गाली तक कंट्रोल करी भाई, एक दो बारी निकली हुई मुंह से। ऐसा क्या हो रहा भाई कि हाथापाई होने पे बंदे ये सोच रहे हैं कि भाई अपने कपड़े तार का आ जाऊं अपना शरीर दिखा दूंगा तो वो हो जाएगी, ओहो मैं तो जीत गया, वो हो गया, गाली बकूंगा। गाली खुद साई केतन ने बकी, बल्कि ज्यादा गाली, कम से कम 4-5 बारी बकी, कटारिया ने एक दो बारी बकी होगी, कोई बात ना भाई, कटारा हमारा भाई भी है, 10 गाड़ी बक लेगा तब भी हम गैल करें, तो वो वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज दिस टाइम ही इज राइट, ठीक है ना, हम मजाक उड़ाते हैं मौज मस्ती करते हैं, बोल दिया वो बोल दिया, उनको साइड करो। सच बात तो ये है कि साई केतन की गलती है, कटारिया की गलती नहीं है, क्लियर शब्दों में। और कुर्सी उर्सी तोड़ रहा, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ रहा, वो भाई उस पर सवाल उठने चाहिए कहना चाहिए यार। सबसे बड़ी बात यह, पर्सनल आएगा कोई भी बंदा अपनी फैमिली पे आएगा, कोई अपनी कोई वुमन हो, अरे गाली गाली, अरे वैसे गाली है, चलो क्या हो गया, गाली सामने से आएगी, गाली उसने दी, तुमने दे दी, खत्म खत्म ही है। मारपीट वाला सिस्टम तो मेरे को सही लगता है। और लक्ष्य और लक्ष्य अर्ची तो जैसे बदमाश नहीं देखे भैया मैंने, जैसी लड़ाई हुई साढ़े गैल गैल स्टोरी फुल बदमाशी चल रही है भाई लक्ष्य अर्चित की। बॉम्बे बुला रहे, कह बम्बे रुक जाएंगे 5-10 दिन, कहाँ रुकेगा कहाँ रुकेगा भैया, इसके इसके चाचे ताऊ का होटल है वहां, पैसे लगते हैं ना उस चीज के, क्यों पैसा वेस्ट करने भैया लड़ाई के पीछे। तो देखो मैं तो चाहता हूँ समाज में लड़ाई ना हो, किसी शो के अंदर भी ना हो, रियलिटी में भी ना हो, है ना, लड़ाई मत करा करो भाई। अब देखो अब कहने को जो साई केतन ने ऐसा करा, हम कहते हैं साई केतन भाई तो ये तो चलो बिग बॉस की बात है, तू बाहर आ जाता, बाहर तो किसी के बस की ना गया, ऐसे करते कटारे के लिए मारे होते हुए साढ़े पकड़ लेंगे जहां मिलेगा। हमने कही नहीं, कही कह सकते थे हम, जैसे अब कह दी लड़ाई झगड़े में भाई सब कुछ नहीं रखा, स्प्रेड पीस। मैं चाहता हूँ साई केतन और कटारे का ठीक भी हो जाए बॉन्ड भाई, मैं चाहता हूँ कि सब प्यार मोहब्बत से रहे, हम साथ साथ हैं की तरह रहे, ताकि भी बहुत चले ही ना ठीक है, मौज काटो भाई। हमारे लंदन कल सुबह की हमारी वापसी तो नहीं है, मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल या ब्राजील, वेयर वी गोइंग, हम जाएंगे पहले एम्स्टर्डम, उसके चलो राजू सिसोदिया का रिएक्शन देख लेते, राजू सिसोदिया क्या बोलते हैं इस इंसिडेंट पे। थोड़ा सा मेरे
शरीर में 10-12 किलो वजन ज्यादा, थोड़ा सा इस पे चढ़ जाऊं, हवाबाजी दिखा दूं। तो भाई हवाबाजी में कुछ ना होता, किसी बराबर के को गाली देकर देख और फिर उसे हवाबाजी देख दिखा के दिखा, ठीक है ना। तो भाई कटारिया को फुल सपोर्ट है, डे वन से कर रहे हैं, और जितने भी भाई हैं हमारे सारे वोट करो। और इसे गाली ना सुनी जा रही, इसके जितने भी कमेंट है वो है ना पोस्ट, जाके सब पे गाली देके और लिख के आओ कि भोसड़ी के लिए हमने दे दी गाली और हमारा मुंह पाड़ ले जाके जा। मतलब यार कि जो गाली दे रहे हो तुम, वो भी बिग बॉस के घर में, तो गाली सुनने की भी वो रखो ना, या तो बहस कर मत, तेरी गांड में दम नहीं है तो, और कर रहा है तो बहस कर, उसमें गाली मत दे। खुद गाली दे रहा सामने वाले की माँ बहन को और उसने गाली दे दी, तो फिर ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा मारा थोड़ी है। हाँ तो भाई कटारिया भाई को फुल सपोर्ट है हमारे, ठीक है। कटारिया बहुत बढ़िया कर रहा, पूरे घर में कटारिया सबसे ज्यादा कोई नहीं दिख रहा अभी तक, है ना। सही में, एक नंबर जो बात है, ये नहीं है एलविज का सपोर्ट है, ये कुछ नहीं होता भाई। सपोर्ट भी दुनिया उसे करती है जिसके अंदर खुद में टैलेंट होता है, कहने को कुछ भी कहते रहो लेकिन कर रहा है वो बढ़िया। तो भाई तो चलो गाइस वापस से बात लेते बिग बॉस के। तो रिसेंटली बिग बॉस के लाइव फीड में ये क्या दिख रहा है खुद ही देख लो, स्टार्टिंग में और एंडिंग में आप खुद ही समझ लो, इमेज देख के समझ लो क्या चल रहा है। कोई मेन काम चल रहा है भाई, मेन काम लाइव फीड।